करनाल के सेक्टर 32-33 के समीप जेडी ग्रीन में नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के बाद रोष स्वरूप बड़ी संख्या में लोग करनाल के लघु सचिवालय जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर जेडी ग्रीन में प्लॉट व मकान लेने वाले लोगों ने कहा कि ये अप्रूव्ड एरिया है और यही के निवासी लगभग पिछले 12 से 15 साल पहले अपने मकानों के प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा चुके हैं, परंतु DTP द्वारा बिना नोटिस दिए ही यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, जो बेहद निंदनीय है, जिसकी शिकायत करने के लिए आज वह जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मांग की है कि जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहां हम आपको बता दें कि गत दिनों सेक्टर 33 के पीछे जेडी ग्रीन में नगर निगम द्वारा कई मकानों को गिरा दिया गया था, जिसके रोष स्वरूप बड़ी संख्या में आज यहाँ के निवासी जिला उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वाले भाई पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हम सभी सेक्टर 33 पार्ट जेडी ग्रीन सिटी के निवासी हैं और 22/3/2021 को वहां पर हमारे करनाल के DTP विक्रम कुमार ने वहां पर नाजायज तोड़फोड़ की, जिसके प्रति हम सभी में गहरा रोष दुख है और उसी के विषय में हम माननीय DC महोदय श्री निशांत यादव जी से मिलने के लिए आए हैं। अभी हमने पता लगा किन्हीं कारणों से DC साहब यहाँ नहीं है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और हमारी DC साहब से अपील है कि जो सेक्टर 33 पार्ट JD ग्रीन सिटी एक अप्रूव्ड कॉलोनी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है और कंपनी ने 2012 में वहाँ प्लॉट लगभग सभी प्लॉटों को बेच दिया, वहाँ पर फिर एज इज होम बनाए और कुछ फ्लैट भी बनाए और सरकार ने उनको सभी को लाइसेंस दिया हुआ है और हमारी रजिस्ट्री 2015, 2016, 2017 में हमारी रजिस्ट्री होगी। कंपनी से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, हमने कंपनी को EDC, IDC प्लाटों के पैसे, जो फ्लैटों के पैसे सब कुछ अदा कर दिए, हमारे पास सभी प्रूफ हैं। तो DTP ने क्या किया? तो सभी प्रूफ है हमारे पास और उसके बावजूद भी अप्रूव्ड कॉलोनी को DTP ने वहाँ तोड़फोड़ करी, जो बहुत ही जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, जो नजायज है। और DC साहब से हम मांग करेंगे कि DTP साहब ने जो है नाजायज तोड़फोड़ की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए एवं उस अप्रूव्ड सेक्टर 33 पार्ट 2 के अंदर मूलभूत सुविधाएं दी जाए, वह जो प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ हो, जो कोई मकान बेचना चाहता है उसकी रजिस्ट्री हो और कोई भी प्लाट होल्डर अपने मकान का नक्शा पास करवाना चाहता है उसका नक्शा पास हो, यही आशा के साथ हम DC साहब के पास आए हैं और हमें उम्मीद है DC साहब हमारी बात सुनकर हमारी समस्या का निवारण करेंगे और जो ये तोड़फोड़ हुई है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जरूर करेंगे। DC साहब एक जिले के मालिक हैं और बहुत सम्मानीय अफसर हैं, वो सदा जनता की सुन। तो DT साहब क्यों कर रहे हैं तोड़फोड़? DT साहब ने तोड़फोड़ करी और नजायज करी जी, हमारे को तो कोई नोटिस नहीं दिया। वो कहते ऊपर से आदेश है। नहीं, कोई आदेश नहीं है, जो ऊपर से आदेश है कोई ऐसी आफत तो नहीं आ गई ना जी। उनके पास सभी के एड्रेस हैं, वो एड्रेसों के आधार पे वहाँ सभी को नोटिस दे, हमारी भी बात सुने ना जी। एड्रेस कोई भी आदेश आते हैं, कोई शहर में कोई भी चोरी की घटना होती है ऊपर से आदेश आते हैं पकड़ो, उसकी जांच होती है ना। ये थोड़ी भाई सड़क पे कोई है उसको पकड़ के घेर दो। अब एक बस का ड्राइवर कल ऐसा एक्सपायर हो रहा था, पुलिस चढ़ गई, सवारियों ने टिकट कटवा रखे थे, सवारी एक मिनट जी सवारियों ने टिकट कटवा रखे थे, उसने केक लास्ट ड्राइवर पे तो कार्रवाई नहीं करी और सवारियों के चलान करने लग गए। यह कहाँ का नियम है भाई? मारी रजिस्ट्री हमने सब कुछ दे रखा, मारे पर किस चीज़ की कार्रवाई? कार्रवाई हो तो बिल्डर पे हो, उन्हें जेल में डाल लो, और सरेआम घूम रहा है उसे यहीं पर है क्या ऐसा कि इतना बड़ा बिल्डर कहाँ हो गया, धरती के नीचे थोड़ी बढ़ गया, उसको पकड़ो, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी करो, हम सभी उसकी नीलामी की बोली देंगे और जो उससे पैसा होगा सरकार की भरपाई करेंगे, जो सरकार का नुकसान है। ये तो एक तरीके की बात है, ये कोई तरीका थोड़ी है कहीं भी अप्रूव्ड कॉलोनी में जाकर तोड़फोड़ कर दो, ये तो दादागिरी है जी। और हम नहीं कह रहे जी, पूरे करनाल के अंदर
डीडीपी ने जो उत्पात मचा रखा है ना, ये सब आपकी मीडिया भाइयों ने पता और सारी जनता ने पता, ना तो ये डीसी साहब के नॉलेज में देंदे, ना ये मुख्यमंत्री साहब के नॉलेज में देंदे। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ से एमएलए हैं, उनकी नॉलेज में भी देना चाहिए सब कुछ नॉलेज में। डीटीसी साहब से हम कई बार मिले, वो कहते हैं सीएम के भी डीसी के भी हम अकेले नहीं कार्रवाई करते। अच्छा जी, डीटी सब कुछ अधिकारी डीटीपी साहब ने मारी प्रतिक्रिया परसों भी लगी जी, कल भी लगी और आज भी मैं आपके सामने हूँ जी। हम डीटीपी साहब के आमने सामने आ जाते हैं, हमारी बातों का जवाब दे दो जी, हम उसकी बात मान लेंगे, नहीं तो उसका आज हम डीसी साहब से मिलेंगे जी। और हमारे को आशा डीसी साहब हमारी बात सुन के जो ये नजायज कार्रवाई है इसके खिलाफ जांच होगी और कानूनी कार्रवाई होगी, और हम मांग करते हैं डीटीपी साहब को सस्पेंड भी होंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।